to Rising Suns Academy आप सभी आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे गाइस तीन सितंबर दो हजार इक्कीस और हम देखने वाले हैं थर्ड ऑफ का करंट अफेयर सारे कवर करेंगे तो पूरा वीडियो ध्यान से पूरा बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ मैं दिव्या डेली जुड़ती हूं आपके साथ डेली करंट अफेयर के सेशन में तो आप ये जो सेशन है देखना बिल्कुल ना भूलें अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आइए चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चंस तो कल के जो प्रश्न थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी से पहला प्रश्न है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के एक बयान के मुताबिक भारत में इतने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड नाइन्टी की कम से कम एक खुराक लग चुकी है तो कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन की जो एक खुराक है वो लग चुकी है कितने फीसदी लोगों को तो लगभग पचास फीसदी वयस्क भारत में ऐसे है जिनको एक डोज लग चुकी है कोविड नाइन्टीन की ठीक है अगला प्रश्न है तालिबान ने अपने पहले फतबे में अफगानिस्तान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो अफगानिस्तान पर लगाया गया है सह शिक्षा पर प्रतिबंध को एट या फिर कहें कि को एजुकेशन जो होता है लड़के और लड़कियां साथ में बैठकर पढ़ते हैं जिन स्कूल्स में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार द्वारा जिस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है तो ये किया गया है अमित रोहिदास को याद रखना है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा ये अगला प्रश्न है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष दो तो तक गोद लेने का फैसला किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्ष दो तो तक कुश्ती को गोद लिया है यूपी की गवर्नमेंट ने ठीक है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है पूछा जा सकता है ठीक है याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो है आनंदी पटेल ठीक है याद रखना है इनका नाम भी आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है तो ये जो एप्लीकेशन है ये जो है विकसित किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई गोपाला किससे संबंधित है ये जो पोइट्री किसान होते हैं उनसे संबंधित है उन तो किसानों से संबंधित है याद रखना है डेयरी विकास बोर्ड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है तो ये अवार्ड जो है ये मिला है आई वो टू थ्री ओ मदर को ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा ये जो सॉन्ग है इस सॉन्ग का निर्देशन भारत के ही आशीष रेगो के द्वारा किया गया है आशीष रेगो ने इसका निर्देशन किया है आई बो टू थी ओ मदर सॉन्ग और सिक्सटीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में से बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है निषाद कुमार जो है उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जो है रजत पदक जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है तो इनको कौन सा मेडल मिला है सिल्वर मेडल मिला है रजत पदक मिला है और किस गेम में मिला है आपसे ये पूछा गया है है ऑप्शन से आपके शूटिंग स्विमिंग रनिंग या फिर हाई जंप तो किस खेल से संबंध रखते हैं निषाद कुमार बताइए आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाई जंप ये संबंध रखते हैं हाई जंप से और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 2.06 मीटर की कूद लगाकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया है अच्छा इनके साथ एक व्यक्ति और है जिन्हें जो है है पदक मिला रजत पदक मिला है और वो है अमेरिका के डलास बाइस इनको भी रजत पदक दिया गया है क्यों क्योंकि इन्होंने भी इसी मीटर इतनी ही मीटर की जो है कूद लगाई थी टू मीटर की ठीक है याद रखना है भारत के निषाद कुमार हाई जम्प से संबंधित है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे गाइस अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ऑप्शन से आपके फिट इंडिया हेल्थ इज वेल्थ या फिर हाई ड्रीम या फिर उन्नति ऐप तो कौन सा ऐप जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये ऐप है फिट इंडिया ऐप ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा फिट इंडिया ऐप तो आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में फिट इंडिया मूवमेंट का दूसरी जो वर्षगांठ है उसको मनाने के क्रम में केंद्रीय युवा और कल्याण मंत्री जो है केंद्रीय युवा और खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर इनके द्वारा हाल ही में ये ऐप लॉन्च किया गया है फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन ठीक है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे गाइज अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है किसके द्वारा किया गया है राजस्थान हरियाणा तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र ये जो प्रस्ताव है ये पारित किया गया है तमिलनाडु के द्वारा तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन एम के स्टालिन एम के स्टालिन ने बताया सदन को कि कृषि कानून की वापसी की जो है मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले जो किसान थे और राजनीतिक दल थे उनके जो नेता थे उनके खिलाफ राज्य में दर्ज किए गए जितने भी मामले थे उन सबको वापस लिया जाएगा उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और खेती की बड़ी जो कंपनियाँ हैं इनके कब्जे में जाने से रोकने के लिए केंद्र को इन कानून को कानून जो है ये बनाने वाले थे जो केंद्र कानून ला रहा था इसको वापस लेना चाहिए तमिलनाडु सरकार ने अपने

नियुक्त तो हो चुके हैं ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है किसके द्वारा की गई है नेपाल श्रीलंका चीन या फिर रूस तो ये जो है श्रीलंका के द्वारा की गई है घोषणा श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटावाया राजपक्षे गोटावाया राजपक्षे के द्वारा देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है देश की जो मुद्रा है कि मूल्य में भारी जो गिरावट है वो आई है इसके कारण खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि हो चुकी है और बढ़ती मुद्रा स्पीति को रोकने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कदम उठाया है तो राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी जैसे आज जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं इनकी इन सब की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है ठीक है तो याद रखना है ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका श्रीलंका की राजधानी क्या है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है कोटा वाया राजपक्षे ठीक है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है किस दिन मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे तो ये जो दिवस है, ये दो सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व नारियल दिवस हर वर्ष दो सितंबर को मनाया जाता है ये एशियाई और प्रशांत नारियल जो समुदाय है इसके द्वारा गरीबी कम करने में फल के महत्व पर जोर देने के लिए मनाते हैं और जो नारियल है ये दुनिया भर में एक लोकप्रिय फल के रूप में जो है प्रसिद्ध है नारियल में बहुत सारे न्यूट्रेशन होते हैं पोषण तत्व होते हैं ठीक है ठीके? और बहुत अच्छा फल है ये बहुत अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से और वर्ष 2009 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था तो 2009 से अब तक इसको हर साल 2 सितंबर को मना रहे हैं ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्न में से किस अलगाववादी हुरियत नेता का बानवे वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो ये कौन से नेता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है नेता है ये उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला मोहम्मद यासीन मलिक या फिर सैयद अली शाह गिलानी तो ये जो है ये है सैयद अली शाह गिलानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा तो ये जम्मू कश्मीर के एक अलगाववादी जो नेता है सैयद अली शाह गिलानी हाल ही में हो गया इनका श्रीनगर में निधन इंक्यानवे वर्ष की उम्र में ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है तो आरबीआई ने हाल ही में लगाया है जुर्माना किसके ऊपर एक्जिम बैंक के ऊपर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा एक्जिम बैंक केवाईसी केवाईसी क्या होता है नो योर कस्टमर तो नो योर कस्टमर के जो नियम है उनका पालन बैंक को करना पड़ता है उसी में डिले को लेकर चलते 25 लाख रुपए का जुर्माना एग्जिम बैंक के ऊपर लगाया है किसने आरबीआई ने आरबीआई क्या है भारत का केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को कहते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी 1935 में 1935 में और इसके अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है के शक्तिकांत दास तो इनका नाम भी याद रखना है सो so गाइज ये थे आज के प्रश्न अब वन लाइनर कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक प्रश्न और है हाल ही में किस देश के चे, चैंगडू शहर को यागुन यानी कि म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है तो समुद्र यानी कि जो सी है और सी से रोड एक लिंक जो है शुरू किया गया है कहाँ से कहाँ तक चेंगदू शहर से यांगून म्यांमार तक तो चेंगदू शहर कहाँ पर है आपसे प्रश्न में पूछा गया है तो ये जो शहर ये है चीन में हाल ही में चीन के चेंगदू शहर को यांगून यांगून कहाँ पर है म्यांमार में हो जाएगा तो इन दोनों के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने के वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक जो है शुरू किया गया है ठीक है तो याद रखना है कहाँ से कहाँ तक चेंगदू से यांगून तक चीन से म्यांमार तक ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय पोषण दिवस व निरपेक्षता दिवस कब मनाया जाता है तो ये दिवस हम मनाते हैं एक सितंबर को एक सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण दिवस और गुट निरपेक्षता दिवस ठीक है इसके अलावा एक सितंबर से सात सितंबर तक एक सितंबर से सात सितंबर तक हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी तो ये भी आपको याद रखना है अगला प्रश्न है भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानक जो सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से आदित्य ठाकरे को नियुक्त किया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है तो ये भारतीय गोल्फर है अदिति अशोक नेक्स्ट है भारत और जिस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ अदन में एक संयुक्त तो सैन्य अभ्यास किया तो ये किया भारत ने जर्मनी के नौ सेनाओं के साथ ठीक है याद रखना है अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास हुआ है कहाँ पर भारत और जर्मनी की नौसेनाओं के बीच सुगाईज so ये था आज का करंट अफेयर आज के लिए आपका प्रश्न है भारत के लिए भावना पटेल टोक्यो पैरालंपिक 2020 की महिला टेबल टेनिस में जो पदक जीतकर इतिहास रच दिया तो इन्हें कौन सा पदक मिला है ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है आंसर जरूर करें ऑप्शन से आपके स्वर्ण पदक रजत पदक काश्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं सही उत्तर आप सभी जरूर करें एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ साथ ही साथ आपके जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी जगह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच